नमस्ते, मैं मोना पटेल आपका मेरी चैनल देसी गर्ल एंड यूरोप में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ कि हम सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं। तो हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो यहाँ ये सिटी के अंदर ट्राम सिस्टम है, मतलब स्ट्रासेनबान जो रास्ते के ऊपर चलती है, और इसके ये सिस्टम बहुत ही इजी है। वैसे सबको लगता होगा कि फॉरेन में सब कैसे ट्रैवल करते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है, लेकिन ये बहुत ही इजी है उसमें ट्रैवल करना। तो मैं आपको वॉच दिखाऊंगी। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो ट्राम स्टेशन है, और यहाँ पे ऊपर उसका टाइमिंग लिखा हुआ है कि उसकी फ्रिक्वेंसी है कि कितने टाइम में ट्राम आती है। ये मेरे घर के पास का स्टॉप है, यहाँ पे सिर्फ दो नंबर की ही ट्राम आती है, और ये ट्राम यहाँ नॉर्थ से साउथ तक जाती है। अगर मुझे वेस्ट में जाना है तो मुझे यहाँ से पहले सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, और सिटी सेंटर से ट्राम चेंज करके फिर वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि सिटी सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग रूट की ट्राम आती है, और वहाँ से हम कोई भी ट्राम पकड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं। और मैं आपको सिटी सेंटर इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी, और हम ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा और मैं आपको बताती हूँ कि हम टाइमिंग कैसे देख सकते हैं कि कौन सी ट्राम किधर जाती है, टाइमिंग क्या है उसका। तो ये ट्राम के लिए दो तीन एप्लीकेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर हमें कोई स्टेशन पे जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे सिटी सेंटर ही जाना है, तो वो स्टेशन का नाम आलिस सेंटर है, तो मैं वो वहाँ पे डालूँगी, और मुझे किधर से जाना है मतलब मैं मेरे घर के स्टेशन का नाम मतलब वहाँ पर टाइप कर दूँगी, तो मैं सर्च करूँगी तो मुझे दिखाएगा कि कौन सी ट्राम कितने बजे जाती है, तो वो भी बहुत ही ईजी है। और उसके अलावा यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि कौन सी ट्राम कितने बजे जाती है, तो वो मैं बोर्ड भी आपको दिखाती हूँ। तो ये दो नंबर के रूट के स्टेशन है, मतलब ये दो नंबर की ट्राम किधर किधर जाती है, और यहाँ पे टाइमिंग्स लिखे हुए हैं इस रूट के, ये आवर्स लिखे हुए हैं, और सामने मिनट है, और मंडे टू फ्राइडे उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, मतलब एवरी 10 मिनट्स को ट्राम आती है, लेकिन सैटरडे संडे को एवरी 15-20 मिनट को आती है ट्राम। और यहाँ पे एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग कि अगर कोई हैंडीकैप है और वो खुद से ट्राम में नहीं चढ़ सकता, तो यहाँ पे सभी स्टेशन पे ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेशन है फर्स्ट, यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखेगा जो हैंडीकैप हो तो वो आराम से चढ़ सकता है। तो ऐसे कुछ ही स्टेशन है जहाँ पे हैंडीकैप को हैंडीकैप किसी की मदद के बिना भी वहाँ पे चढ़ सकता है। तो अभी हम ये ट्राम में जाते हैं, और आपको टिकट कैसे बाय करता है उसके सिस्टम बताती हूँ मैं आपको। ये अलग अलग लैंग्वेज के लिए है ऑप्शन, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है कि सिंगल ट्रिप के लिए चाहिए या शॉर्ट ट्रिप के लिए चाहिए, वो सब अलग अलग ऑप्शन है। तो अभी हमें सिंगल ट्रिप की टिकट अगर लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे कॉइन डालना है, और ये टिकट प्रोसेस हो जाएगी, और यहाँ पे टिकट आएगी, और जो हमने पैसे डाले उसके चेंज है तो वो आएंगे। क्योंकि अभी मेरे पास टिकट है तो मुझे बाय नहीं करनी है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये सिस्टम समझाई, तो अभी मैं ये कैंसिल कर देती हूँ। और यहाँ पे जो जगह है वो हैंडीकैप के लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है, और एजेड पीपल के लिए है। मैंने ट्राम के अंदर एक दो चीज़ें बताने की कोशिश की, लेकिन ट्राम के अंदर मास्क कंपलसरी है, उसकी वजह से मेरा ऑडियो सही नहीं आ रहा था। तो अभी मैं एक दो चीज़ है जो बताती हूँ कि अगर हमें कोई
ट्राम के अंदर हर स्टॉप अगर आता है, कोई नेक्स्ट स्टेशन आता है, तो वहाँ पे अनाउंस होता है ट्राम के अंदर कि अभी नेक्स्ट स्टॉप ये है, नेक्स्ट स्टॉप ये है, ऐसा. और उसके बाद हमें जो स्टेशन पे उतरना है वहाँ पे एक डोर के पास एक रेड बटन है, वो अगर हम दबाएंगे तो आगे ड्राइवर के पास रेड लाइट होगी और वो उसको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टॉप पे उतरने वाला पैसेंजर है. तो वो भी बहुत ईजी है. तो ये सिटी सेंटर है जो मैंने बोला था कि यहाँ पे सभी डायरेक्शन से ट्राम आती है और सभी डायरेक्शन में जाती है. अगर आपको कोई भी डायरेक्शन में जाना है सिटी की, तो आपको यहाँ से ट्राम मिल जाएगी. और ये जिस कंपनी की ट्राम यहाँ इस सिटी में चलती है, वो ये कंपनी की ऑफिस है. वहाँ से हम डे टिकट या मंथली पास वो सब खरीद सकते हैं. और मुझे आपको टिकट्स के बारे में भी बताना था ज़्यादा, लेकिन मैं आपको ट्राम में ज़्यादा नहीं बता सकी क्योंकि मेरे पीछे भी सबको टिकट्स लेनी थी, इसलिए मैं किसी को वेट नहीं करवा सकती. तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था सिंगल ट्रिप मतलब अभी आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए भी या 5 मिनट के लिए भी मुझे जाना है, तो वो मुझे टिकट 2.3 यूरो की ही ख़रीदनी पड़ेगी. और वो टिकट एक घंटे तक वैलिड होती है. तो एक घंटे तक हम कोई भी ट्राम में बैठ सकते हैं. उसका ऐसा मतलब नहीं है कि मैंने जिस ट्राम से टिकट ख़रीदी है उसी ट्राम में मैं जा सकती हूँ. कोई भी ट्राम में मैं ट्रैवल कर सकती हूँ एक घंटे तक, उसके बाद मुझे फिर से टिकट लेनी पड़ेगी. और भी बहुत सारे टिकट्स के ऑप्शन है. हम वीकली ख़रीद सकते हैं, मंथली पास भी ले सकते हैं. और यहाँ पे पैसेंजर टिकट्स तो होती है, लेकिन अगर हम साइकिल लेके कहीं पे हम जा रहे हैं तो साइकिल हमने ट्राम पे मतलब हम साइकिल को भी ट्राम में लेके जाते हैं, तो हमें साइकिल की भी टिकट अलग से ख़रीदनी पड़ेगी. और यहाँ पे ट्राम में टिकट चेक करने के लिए TC नहीं होता है. मतलब एवरीडे कोई नहीं आता है चेक करने के लिए. अगर हमने टिकट नहीं ली है तो भी किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हमें कंपलसरी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये इन लोगों की सिस्टम ऐसी होती है कि उनको जब भी मूड होता है कभी भी आ जाते हैं चेक करने के लिए. तो अगर हमारे पास से टिकट नहीं निकली तो हमें 60 यूरो फाइन भरना पड़ेगा. यहाँ जर्मनी में सभी सिटी में ये ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम सेम ही होती है. सिर्फ ये स्ट्रासेनबान की कंपनी है जो अलग अलग होती है, बाकी सभी सिस्टम कॉमन होती है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आए. मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और नेक्स्ट वीडियो तक बाय.